दोस्तों मैंने अमेजोन से एक ऑडियो इंटरफेस डिवाइस मंगाई है। ये है एम ऑडियो एम ट्रैक सोलो। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ऑडियो इंटरफेस डिवाइस है। इसमें हमें दो इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना माइक और लाइन कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कनेक्ट करना हो तो वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज दी गई है। इसके अलावा इसके साथ कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी दिए गए हैं। इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हो सिंगिंग वगैरह के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, तो कुछ सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरह की पैकिंग है, काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, पॉडकास्ट करते हो या फिर आप करते हो रिकॉर्डिंग, तो आपके लिए ये डिवाइस बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसे करते हैं ओपन और देखते हैं कैसी है ये डिवाइस। सबसे पहले इसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, काफी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ से आप इसके लेटेस्ट ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर इसका यूजर मैनुअल दिया गया है। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है, कैसे आपको इसे यूज करना है, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। इसके अलावा इसके साथ जो सॉफ्टवेयर इंक्लूड है, फ्री वाले सॉफ्टवेयर जो आपको मिलेंगे, वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। पूरा प्रोसीजर यहां पर दिया गया है और क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है। इसके अंदर भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहां पर हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अलावा इसके साथ एक यूएसबी कनेक्टिंग केबल दी गई है, जिसके एक एंड पर यूएसबी टाइप ए कनेक्टर है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। इसके अलावा इसके साथ कोई भी एक्सेसरीज नहीं है, कोई भी केबल इसके साथ नहीं दी गई है। तो ये है हमारी मेन डिवाइस एम ऑडियो एम ट्रैक सोलो। काफी बढ़िया फिनिशिंग यहाँ देखने को मिल जाती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। पूरी तरह से मेटल से बनी हुई बॉडी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पर हमें तीन कंट्रोलिंग नॉब देखने को मिल जाते हैं। इससे आप इनपुट वन को कंट्रोल कर सकते हो, इनपुट टू को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें फैंटम पावर का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अंदर बिल्ट इन फैंटम पावर भी दी गई है और डिवाइस के इस साइड इसके कनेक्टिंग पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर एक XLR पोर्ट दिया गया है, इस पर आप अपनी लाइन या फिर माइक को कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा इनपुट भी दिया गया है, अगर आपको कोई अपना इंस्ट्रूमेंट गिटार वगैरह यहाँ कनेक्ट करना हो तो उसे भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप गिटार कनेक्ट कर रहे हो तो आपको इसे गिटार साइड में कर देना है इस स्विच को, और अगर आप लाइन को यूज कर रहे हो यहाँ पर तो आपको इसे लाइन साइड में कर देना है। यहाँ पर फैंटम पावर को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। इसके अंदर बिल्ट इन फैंटम पावर दी गई है, उसे आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। पर मॉनिटरिंग के लिए हेडफोन जैक दिया गया है, आप इसमें हेडफोन लगाकर मॉनिटरिंग कर सकते हो ऑडियो को। इसमें आप जीरो लेटेंसी के साथ मॉनिटरिंग कर सकते हो और कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस आपको सुनाई नहीं देगी। जैसे जो फुसफुस की आवाज आती है वो बिल्कुल भी आपको सुनाई नहीं देगी। जीरो लेटेंसी के साथ आप यहां पर मॉनिटरिंग कर सकते हो। अगर आप इसे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो यूएसबी पे कर दो, और अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पर कर सकते हो। और डिवाइस के बैक साइड में यहां पर भी कुछ कनेक्टिंग पोर्ट दिए गए हैं। यहां पर हमें मेन आउट का ऑप्शन मिल जाता है। आरसीए केबल को कनेक्ट करके आप राइट चैनल लेफ्ट चैनल दोनों को कनेक्ट करके यहां से आउटपुट ले सकते हो। इसके अलावा यहां पर यूएसबी केबल का ऑप्शन दिया गया है, जो यूएसबी केबल इसके साथ आई है उसे आप कनेक्ट करके सीधा अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हो और इसका आउटपुट आप अपने पीसी पे ले सकते हो, ओबीएस वगैरह में जहाँ भी कनेक्ट करना हो या फिर जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो अपने पीसी पर, तो उसके लिए यहाँ से आप इसके आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी सारी डिटेल दी गई है, इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और इसके अंदर जो लेग्स दी गई हैं, एंटी स्किड रबर पैडिंग यहाँ पर दी गई है, जिससे आपकी डिवाइस बिल्कुल स्टेबल रहेगी, इधर उधर नहीं खिसकेगी। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और इसमें आपको दूसरे भी मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। इस समय आपको ये अमेजोन पर लगभग 4,500 रुपये में मिल जाएगा। इस पर हमें पूरे एक साल की वारंटी मिल जाती है। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मैं इसे अब कनेक्ट करके देखने वाला हूँ। तो मैं इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ जो यूएसबी केबल आई हुई है इसको हम यहाँ पर पीछे की साइड यूएसबी पोर्ट पर कनेक्ट कर देंगे और केबल के दूसरे एंड को हम अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पर जोड़ देंगे। तो ये डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई है लैपटॉप के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो फैंटम पावर का इंडिकेटर यहाँ शो हो रहा है। फैंटम पावर अगर आपको ऑफ करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। फैंटम पावर को ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट आउटपुट और यूएसबी आउटपुट। तो हम इसे यूएसबी आउटपुट की तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अपना माइक्रोफोन भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। ये XLR आउटपुट है इसका माइक्रोफोन का, तो इसे मैं XLR पोर्ट पर कनेक्ट
सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो ऑडियो का ऑप्शन आता है स्पीकर का, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ साउंड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो स्पीकर का ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको यूएसबी ऑडियो कोडेक दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑडियो इंटरफेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पर माइक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो माइक्रोफोन का ऑप्शन है इसमें अपने आप ही ये सिलेक्ट हो गया है USB ऑडियो कोडेक। तो आपका जो ऑडियो इंटरफेस डिवाइस है वो आपकी USB ऑडियो कोडेक करके दिखाई देगी। Audacity में मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो अपने लैपटॉप पर मैंने Audacity में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन इस समय आपको बिल्कुल एक सीधी लकीर दिखाई दे रही है, सीधी लाइनें आ रही है। पहला इनपुट हमारा माइक है और दूसरा इनपुट हमारा गिटार वगैरह होगा। अगर आप इसे कनेक्ट करोगे तो उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और आउटपुट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले हम आउटपुट को यहाँ पर फुल कर देते हैं, मैं यहाँ पर 10 पे कर दे रहा हूँ, आउटपुट मैंने यहाँ फुल कर दिया। उसके बाद हम अपने माइक की ऑडियो को यहाँ से धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो आप देखोगे मैं बढ़ाता हूँ इसकी आवाज़। अब आप देख रहे हो यहाँ ग्रीन कलर में ये आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अगर ये ग्रीन लाइट जब तक रहेगी तब तक आपका ऑडियो सही आएगा। तो इसको बढ़ा के देखते हैं, और अगर आप इसे पूरा फुल कर दोगे तो यहाँ पर ये रेड कलर में आ रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा अपना ऑडियो कम करना होगा। तो जब तक ये ग्रीन है तब तक आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आएगी। अब आप देख सकते हो मैं बोल रहा हूँ तो Audacity में वेवफॉर्म बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ आप देख रहे हो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, यहाँ पर वेवफॉर्म्स बन रही हैं, और जैसे जैसे मैं इसको फुल पे करूँगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, तो आप देख रहे हो हमारी ऑडियो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से जब आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो हमारा M-Track Solo है इसके आउटपुट को हम OBS के अंदर कैसे लेके आएंगे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर सोर्स में जाना है आपको, ये जो सोर्स का ऑप्शन आ रहा है इसमें प्लस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इसका कोई भी नाम आप दे सकते हो, मैं कोई अभी नाम नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट देख रहे हो, इसके बाद इसके आगे जो एरो आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो आपका लाइन USB ऑडियो कोडेक करके यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे ऊपर ऑडियो इनपुट कैप्चर करके ये आ रहा है, यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ये बार चल रहा है। अब आप देखो यहाँ पर मैं जो भी बोल रहा हूँ तो हमारा जो ऑडियो इनपुट कैप्चर है वो सीधा हमारे OBS स्टूडियो में पहुँच गया है, और हम उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ से इसके वॉल्यूम को कम कर दूँ तो ये हमारा वॉल्यूम आप देखोगे OBS पर भी कम हो गया। तो दोस्तों आपको इस तरह का ऑडियो इंटरफेस हमेशा यूज़ करना है। अगर आप अपना माइक्रोफोन अपने लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हो रिकॉर्डिंग के लिए या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो आप इस ऑडियो इंटरफेस के थ्रू माइक को कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। आप अपने ऑडियो को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा ऑडियो की क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।